अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स यू आर वाचिंग अलमका टेक एंड बिजनेस अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टोकनस के बारे में जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर वर्क करते हैं और इथेरियम की ब्लॉकचेन पे वर्क करने का मतलब यह है कि जब इथेरियम के अपने प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो इनको बेवजह का एडवांटेज भी मिलता है और जब ये टोकन मिसाल के तौर पर डाउन होना शुरू होते हैं तो भी अक्सर अकात इथेरियम के प्राइस में कोई ना कोई खपला होता दिखाई दे रहा होता है और हम ये चीज़ें जान नहीं पाते एक लंबी लिस्ट है इन टोकनस की इनकी कैपिटलाइजेशन के बारे में बात होगी इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात होगी और आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप आने वाले वक्तों में ऑलरेडी अगर ये जान जाएं कि थीरियम पंप हो रहा है तो इसकी ब्लॉक चेन पर काम करने वाले टोकन में अगर आप सही टाइम पर अपने अनैलिसिस करके एंट्री ले लें ले, तो आपको बेवजह का एक बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज हो सकता है लेकिन अक्सर उकात क्योंकि मैं आपको शॉर्ट वर्ड में बताता हूँ कि आज एल डी ओ सपोर्टेड होगा आज आई एम एक्स सपोर्टेड होगा या कभी कोई टोकन तो मैं फ़ाइनली आपसे इसकी एक मुकम्मल लिस्ट शेयर कर रहा हूँ ताकि आप तन्हाई में बैठ के अकेले बैठ के इसके ऊपर वर्क करें और समझें कि किस तरह ब्लॉकचेन का एडवांटेज लेकर के कोई भी टोकन पंप हो जाता है सो so गाइज जब आप इस वीडियो को देख लेंगे या देखना शुरू करें या अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके और वो भी इससे उतना ही फ़ायदा ले सकें जितना आप लेते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्रेश हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर देना है सो गायदा आप देख रहे हैं कि ये पेज बिल्कुल नया है फ्रेश है मैंने आप सबके लिए ओपन कर रखा है पहले तो आपको ये बता दूं कि ये ब्लॉक चेन एथीरियम टोकन की बात होने लगी है यहाँ पर ठीक है और आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि इथीरियम इस वक्त हो रहा है पंप इथीरियम अब से कुछ ही देर पहले आप कह सकते हैं कि अट्ठारह सौ के करीब खड़ा था अभी क्योंकि इथीरियम थोड़ा सा पम्प हो रहा है तो इसके अदर्स टोकन में भी आपको पंपिंग का साइन दिखाई देगा अब ये कौन कौन से टोकन है ये भी मैंने आपको बताने हैं अच्छी चीज़ तो आप यहाँ पर जानेंगे ताकि आपकी अर्निंग में इजाफा हो और नुकसान की जो रीज़न बनती है उसको आप आज ही से ग्रैप करना सीख लें मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करूं सो गाइज़ अब आप देख रहे हैं कि इथीरियम की जो मार्केट वैल्यू है सेक्टर कैप की वो दो इशारिया पैंसठ बिलियन है ठीक है जो खाली इथीरियम की ब्लॉकचेन पे पर आर्ट कोइंस वर्क कर रहे हैं सेक्टर डोमिनेंस इसकी 20.33 परसेंट है ये आप सबको जानना बड़ा ज़रूरी है उसके बाद आ जाता है इसका वॉल्यूम ठीक है सेक्टर डी सेवन डी चेंज ये जो आपके सामने प्लस माइनस चल रहे होते हैं अब ये लिस्ट मैं आपके सामने शेयर करता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके बिल्कुल ऊपर क्रिप्टोफियर ग्रीड इंडेक्स चल रहा होता है इससे भी आप एडवांटेज ले सकते हैं आपको वाजिया तौर पे पता चल जाता है कि मार्केट अपर लेवल पे है कि डाउन लेवल पे तो बेहतर ये है कि हम उस पर क्लिक करें क्लिक जो मैंने कर दिया है तो हमें पता चले कि इधर चल क्या रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि थीरियम की वो लाइव मोमेंट यहाँ पर चल रही है जो आपको बाज अपने मोबाइल पे भी दिखाई नहीं देती नीचे इसका दोस्तों कैंडल चार्ट चल रहा है इंडिकेटर्स हैं जो अकल रखने वाले बशर दोस्त हैं वो इसी कैंडल चार्ट के रिदम को फॉलो करके एक अच्छी अर्निंग कर लेते हैं जस्ट आपने इसका मिनिमम स्पोर्ट लेवल देखना होता है सो गायस आई होप के इथीरियम के वाइट पेपर को पढ़ने की तो फिलहाल यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है तो हम वापस चलते हैं ये एक लंबी लिस्ट है गाइस जो मैंने आप सब दोस्तों के सामने ओपन की है आपको पता होना चाहिए बहुत ही कम दोस्त जानते होंगे कि टीथर यू और रैप्ड बी टी सी यानी कि रैप्ड बिटकॉइन जो है वो जिसे हम डब्ल्यू कहते हैं वो भी इथीरियम की ब्लॉक पे काम करता है अब हर दिल अजीज़ टोकन शिबा इनू ये भी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ही वर्क करता है अक्सर उकात ये होता है कि हमें नहीं मालूम होता कि शिबा शिवाइनू गिर रहा है लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसका करंट इथेरियम से आ रहा होता है अच्छा अब दूसरी चीज़ जो कि आपके जानने के बहुत काबिल है कि जिस तरह हम इनके पंप होने का एडवांटेज लेंगे कल को अल्लाह ना करे इथीरियम को लेकर मार्केट में कोई बुरी खबर आती है तो फिर ये सारे टोकन मुतासर होते हैं सवाल ये है कि अक्सर व्यूवर पूछते हैं कि भाई एक टोकन क्रैश हुआ था और उसके चक्कर में सारे क्रैश हो गए क्रैश ये होता है कि जब ब्लॉकचेन ये वो टोकन है अब ये टोकन इसकी ब्लॉकचेन पे काम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ लेकिन अभी सिर्फ हम ब्लॉकचेन पे बात करेंगे ये वो टोकन है दोस्तों जो अपनी ब्लॉक को यहाँ पर डिज़ाइन नहीं कर सकते ख़रीद नहीं सकते तो इनको रेंट आउट होना पड़ता है ब्लॉक चेन शिबा इनू का जो डिवेलपर है वो अपने टोकन को इथीरियम के ऊपर वर्क करवा रहा है इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर और अपनी इनकी जो ब्लॉकचेन है शिबियम शिबारीम वो अभी तक फ़िलहाल मार्केट में आई ही नहीं है ठीक है वो सिर्फ हमें वादे वगैरह वगैरह मिलते रहते हैं हम सुन लेते हैं तो ये एक सिलसिला चलता है हर बड़े टोकन का मार्केट का शिबा इनू जो तीस मिलियन यहाँ पर व्यूवर्स रखता है अपने पास यानी कि कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में इन्वेस्टर्स वो भी अभी तक इथीरीम की ब्लॉक चेन पर काम कर रहे हैं अब आते हैं चेन लिंक की तरफ लिंक टोकन जो हर मार्केट में हमें ट्रेड देता है इसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज आप इथीरियम की मूवमेंट पे ले सकते हैं मान लें कि किरियम के प्राइस गिर रहे हैं तो ये टोकन भी गिरेंगे अब उसकी लिस्ट यहीं से शुरू हो जाती है योनस सेट से, लियो चैन लिंक अच्छा अब सबसे बड़ी ब्लॉक चेन इस एतबार से यहाँ पर इथीरियम है जिसमें स्टेबल कॉइन की बड़ी तादाद है टीथर यू एस टी सी डाया तीन हो गया ठीक है टी यू एस डी चार तो दोस्तों ये चार मेन टोकन इसके ऊपर हर वक्त काम करते हैं जिसे हम स्टेबल क्वाइन कहते हैं अब एक और ऐसा पॉइंट मैं आपको बताने लगाऊँ जो इन कल को आप कहेंगे कि हाँ वाकई हमें फ़ायदा हुआ है देखा होगा आपने माजी में कि अगर कोई टोकन क्रैप हुआ जैसे कि हमें लूना आज तक याद है तो उसका टोकन यू उड़ गया था ठीक है और यू का सबसे पहले आया था डी पैक अब मान लें अल्लाह ना करे कल को इथीरियम को कोई मसला होता है इथीरियम की ब्लॉक चेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सभी टोकन यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकते हैं ये बहुत लंबी तादाद है ये देखें स्टेबल क्वाइंस मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब नहीं हो सकते याद रखिएगा। लेकिन उनके अंदर डी पैक आएगा पैनिक आएगा तो ये चीज़ें आपको हैरानकुन साबित कर देंगी आने वाले वक्तों में कि हाँ ये व ये चीज़ें हमें पहले से ही पता थी आज आप देख रहे हैं कि अभी थीरियम में जस्ट 18 उन्नीस डॉलर का पंप आया है तो उसी की वजह से इन तमाम टोकन में पंप है ये देखें ये एक मेन चीज़ है और यहाँ से आपको पता चलता है कि चेन लिंक कितना पंप कर रहा है ये वो फार्मूला है जिससे आप केवल अस वक्त अर्न कर सकते हैं बहुत बड़ा फार्मूला है जिससे ट्रेड हो जाती है अब हम यूनिस्वैप को देख रहे हैं यहाँ पर यूनिस्वैप आपको दो इशारिया जीरो आठ परसेंट प्लस दिखाई दे रहा है आप क्रिप्टो की दुनिया में चार पाँच डॉलर का टोकन जब दो परसेंट भी पंप होता है तो इसको बड़ी रश्क की निगाह से देखा जाता है और मजे की मैं बात बताता हूँ कि हमारे जो फ्यूचर ट्रेड के दोस्त हैं जितने भी फ्यूचर ट्रेडर करते हैं वो भी इस कॉन्टेंट से फ़ायदा ले सकते हैं जैसे कि आप किसी भी एक्सचेंज पर हैं चाहे आप बिट गैट पे हैं फेयर डेस्क पर हैं चाहे कुकवाइन पे हैं अब वो क्या करते हैं वो देखेंगे कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी जो इथेरियम ब्रेक कर रहा है तो होगा क्या ये टोकन ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे ठीक है अब ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है अर्न करने के लिए अब एल भी गिरेगा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्लीज़ इसे एग्जाम्पल लीजिएगा अब आप देखते जाएं कि टॉप हंड्रेड के ये टोकन है जिस तरह मैंने डाइफी के कल कुछ दिन पहले वीडियो बताई थी कि ये टोकन गिरेंगे डाइफी के तो ये ये चीज़ें नुकसान दे होंगी उसी तरह अब हम सोलह नंबर सोलह नंबर पे खड़े हैं जी आर टी पे ठीक है ये भी टॉप हंड्रेड का टोकन है सो ओ के बी जाओ सी आर ओ आबीट्रम क्वाट था जी आर टी पैक्स डॉलर ओ, ओ, ओ पी फैंटम एप डबल एव ई सो गाइज आर एन डी आर टोकन तेईसवें टोकन तक ये सारे इस ब्लॉकचेन के टोकन टॉप हंड्रेड में मौजूद हैं यानी कि पच्चीस टोकन डाइफी के हैं याद रखिएगा और तेईस टोकन यहाँ पर इथीरियम की ब्लॉक चेन पर हैं तो सपोज आपको पता चलता है कि इथीरियम क्रैश कर रहा है तो याद रखिएगा आपको पता होना चाहिए डबल ए बी ई -E बी क्रैश कर रहा होगा ठीक है यहाँ पे इथीरियम क्रैश करता है तो आर एंड डी आर भी क्रैश कर रहा होगा अच्छा अब इससे पहले कि हम इस कंटेंट को ख़त्म करें मैं आपको बताता चलूं देखिए जिस तरह मैं आपको बताता होता हूं कि आई एम एक्स ओके दिस इज़ द लाइव प्रूफ अभी चंद दिन पहले ही हमारे कुछ व्यूवर्स ने पूछा कि उस्मान भाई आप क्या ये कहते रहते हैं कि आई एम एक्स भी पम्प करेगा अगर इथीरियम भी पम्प करेगा फलाना भी पम्प करेगा अगर इथीरियम भी पम्प करेगा तो ये आज मैंने आपको एक असल चीज़ बताई है कि आपको पता चले ये देखें इस लिस्ट में इथीरियम टोकन्स ओके यू कैन सी दिस इथीरियम टोकन एंड देर इज़ आई इसी तरह ही एक लंबी लिस्ट है तो गाइज़ आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडर के लिए ये बहुत बड़ा फार्मूला है ठीक है अब आप देखें मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ के सी एस टोकन कोकोइन का टोकन जिसे मैं कहता होता हूँ कि इथीरियम के साथ मूव करेगा ये देखें ओके यू कैन सी लाइव एंड दिस इज पैपे तो के सी एस टोकन भी बेसिकली इथीरियम की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है तो यहाँ पर एक अब बहुत लंबी लिस्ट है ठीक है ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहती तो यूँ समझ लें कि मार्केट को अच्छा खासा ग्रैब करती है ये देखें ये आई थिंक क्या आप इसे यहाँ पर रोक करके देख सकते हैं पंद्रह टोकन इस वक्त इथीरियम की ब्लॉक चेन पर लेकिन हमारे काम के जो टोकन हैं वो ये जस्ट तेईस या चौबीसवें रैंक पर आते हैं सो गाइज़ यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेडर हो या फ्यूचर ट्रेडर इसे देख कर इथीरियम को जस्ट वॉच करके इन टोकन में आप बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं सो so गाइज अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़